अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हीना और वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में फिर से हाजिर हूं एक न्यू टेस्टिमनी के साथ। आज की ये टेस्टिमनी है मेरी पेशेंट मोहम्मद जबीन की, जो आउट ऑफ इंडिया की रहने वाली है। शादी के 8 साल बाद एक प्यारे से बेबी बॉय को इन्होंने जन्म दिया है, जिनके टेस्टिमनी हम आगे के वीडियो में सुनेंगे। मोहम्मद जबीन को PCOD थायराइड माइनर थैलेसीमिया एंड लो एएमएच का प्रॉब्लम था। एज 36 थी, जिसकी वजह से ये कंसीव नहीं कर पा रही थी। मोहम्मद जबीन ने शादी के बाद 2 बार प्रेगनेंसी कंसीव की, लेकिन ये दोनों प्रेगनेंसी हेल्दी ना होने की वजह से टर्मिनेट करना पड़ा। यानी इन्होंने कंसीव तो किया, लेकिन दोनों भी बार हेल्दी प्रेगनेंसीज नहीं थी। क्योंकि फ्रेंड, मैंने आपको कई दफ़ा अपने वीडियोज़ में भी ये बताया है, आफ्टर 30 महिलाओं की फर्टिलिटी ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड हो जाती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे लो एएमएच का प्रॉब्लम आ जाता है, क्रोमोसोम अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, या एग क्वालिटी, सीमन क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से ज़्यादातर 30+ में मिसकैरेजेस होते हैं। मोहम्मद जबीन को भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। प्रेगनेंसी कंसीव होने के बावजूद भी इनको वो टर्मिनेट करवानी पड़ रही थी। उसके बाद में इन्होंने फिर कंसीव किया ही नहीं। डॉक्टर से कई दफ़ा ट्रीटमेंट भी लिए, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। इनकी जॉब भी चल रही थी और काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब थी। फिर इन्होंने अपने स्ट्रेस को कम किया, डाइट पे ध्यान दिया, वेट लॉस का प्रोसीजर शुरू किया, PCOD को कंट्रोल किया और 36 की उम्र में एक बेबी बॉय को हेल्दीली नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू जन्म दिया। आइए हम सुनते हैं मोहम्मद जबीन की ही जुबानी, कैसे इन्होंने कंसीव किया और इन्होंने कैसे हमसे कनेक्ट किया। अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया कर्नाटक से हूँ। मैं सेटल्ड इन KSA सऊदी अरब में हूँ। मेरी सक्सेस स्टोरी मैं सुनाती हूँ इन हेल्थ से, जो रियल कैसे कंसीव हुआ। फर्स्ट जो मुझे कंसीव हुआ था, 5th मंथ तक, 21st वीक तक सब ठीक था। 21st वीक में हार्ट बीट स्टॉप हो गए बेबी के, तो उसको रिमूव करना पड़ा। जब इन बिटवीन प्रेगनेंसी मालूम पड़ा कि माइनर थैलेसीमिया है, फिर हस्बैंड का चेक किए तो हस्बैंड को थैलेसीमिया नहीं था, सिर्फ मेरे को माइनर था, और वो तो बेबी निकालना पड़ा उसको। उसके बाद में मालूम पड़ा कि थायराइड हुआ है। उससे पहले तो मैं चेक कराई थी, थायराइड नहीं था। ये डिलीवरी के बाद में मेरे को थायराइड हुआ, कुछ मेडिसिन वगैरह। थैलेसीमिया तो था मुझे। फिर उसके बाद में PCOS भी हो गया। फिर नेक्स्ट सेकेंड, फर्स्ट वन वॉज नेचुरली कंसीव्ड, देन सेकेंड ऑल्सो वो भी नेचुरली कंसीव्ड था, बट उसमें स्कैन में नहीं दिखा रहा था। तो डॉक्टर बोली थी वेट वेट, तो हम लोग वेट करे तो 3rd मंथ में खुद से अबॉर्शन हो गया। okay, उसके बाद में हम लोग ट्रीटमेंट, थोड़ा सीरियस होके ट्रीटमेंट स्टार्ट किए। मैं वर्किंग थी, प्रेशर वर्क का भी था, वर्किंग एज अ स्कूल टीचर यहाँ पे KSA में। तो उसके बाद में हम लोग डॉक्टर्स के पास दिखाए, टैबलेट्स मेडिसिन लिए, यहाँ पे भी दिखाए और इंडिया जब आई वहाँ पे भी दिखाए। सब करने के बाद, इंजेक्शंस लेने के बाद में कुछ भी नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि अब यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम, ज़्यादा मेडिसिन्स लेना भी अच्छी बात नहीं है, 4 to 6 months तक वेट करें। वो 4 to 6 months जब हम लोग वेट कर रहे थे, तो तभी नेचुरली कंसीव हुआ। मैं ये हीना हेल्थ चैनल आपका यूट्यूब का देख रही थी लंबे टाइम से, सीड साइकिलिंग वो सब फॉलो कर रही थी, बट वो सीड साइकिलिंग मैं जो बीन्स खा रही थी वो सॉल्टेड एंड स्मोक्ड था, भुना हुआ था, तो उससे इफेक्ट नहीं हो रहा था। फिर बाद में मैं जैसे जैसे देखते गई, मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते गई, बातचीत करते गई, तो फिर वो लोगों ने सजेस्ट किया कि ये वाले सीड नहीं है, ये खाना है। तो फिर मैं सही से सीरियस होके ब्लैक रेजन वाटर का सीरियसली 4 to 6 months तक कंटिन्यू की मैं। उससे मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ब्लीडिंग अच्छा हो रहा था, क्योंकि मेरा मेंस्ट्रुअल बहुत कम हो गया था, बिकॉज आई वॉज एट द एज ऑफ 36। ब्लीडिंग मेरा थोड़ा कम हो गया था, पहले जैसा नहीं था। आफ्टर टेकिंग दिस, ये लेने के बाद में क्या हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह ब्लीडिंग बहुत फ्लो अच्छा रहा। सीड साइकिलिंग 2 months, फिर लेग अप द वॉल पोजीशन भी ट्राई कर रही थी वो वाला, और हेयर वॉश ट्रिक वो भी ट्राई की, और इम्प्लांटेशन में वेयरिंग सॉक्स, ये पूरा मैं फॉलो की।
और डाइट भी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रही थी। आई वॉज हैविंग फूड 4 times नॉट 3 times बिकॉज PCOD में क्या है, हम लोगों को खाना 4 to 5 times खाना है, 3 times नहीं खाना है, तो वो फॉलो कर रही थी। और अर्ली और थोड़ा वॉक भी की थी मैं, 1 महीना वॉकिंग भी की थी, थोड़ा वेट लॉस भी की थी। और डाइट बहुत अच्छा, जैसे सलाद है, क्यूकम्बर है, कैरेट है, ये सब अच्छे से ले रही थी। और PCOD में जो खाना नहीं खाना है, यानी शुगर है, मैदा है, मिल्क है, ये पूरा मैं कम्प्लीटली अवॉइड कर दी थी। और जंक फूड, बाहर का खाना, ये सब पहले बहुत खाते थे, फिर ये पीरियड में मैं छोड़ दी थी, अवॉइड कर रही थी। फिर हिना मैम से सितंबर में मेरी बात भी हुई थी कि ऐसा प्रॉब्लम है, तो उन्होंने अश्वगंधा पाउडर वो सब दिया था, यानी ये लो आप करके। गन्ने का जूस भी पीती थी मैं, अनार का जूस, वो भी फॉलो की मैं। चुन्ने में आप बताए थे ना, लेकिन वो तो नहीं की, सिर्फ ऐसे ही शुगर केन जूस पीती थी। एंड मेन थिंग इज स्ट्रेस नहीं, आई लेफ्ट माई जॉब छोड़ दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह आई कंसीव्ड ओनली थ्रू दिस हिना हेल्थ। आई एम प्राउड टू से आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम एंड योर टीम। मी एंड माई हजबेंड अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी हैप्पी व्हेन आई कंसीव्ड, बट माई कंडीशन वॉज वेरी डिफिकल्ट। अल्हम्दुलिल्लाह आई सक्सीडेड अल्हम्दुलिल्लाह एंड आई डिलीवर्ड नॉर्मल डिलीवरी एट द एज ऑफ 36 आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज। नाउ आवर मैरिज इज 9 years। हूएवर वॉन्ट टू फॉलो दिस, बी सीरियस अबाउट इट एंड फॉलो योर डाइट चार्ट वट एवर हिना मैम विल गिव यू। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं मोहम्मद जबीन ने कितनी ब्यूटिफुली अपनी टेस्टिमनी शेयर की है, कैसे इन्होंने आफ्टर 8 years ऑफ मैरिज एक हेल्दी बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो नो मैटर्स आपकी एज कितनी है, नो मैटर्स आपके IUI और कितने IVF फेल हुए हैं, नो मैटर्स आपने कितने डॉक्टर्स को कंसल्ट किया है, आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि आप कर सकते हैं और गॉड के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि वो आपकी प्रेयर्स का आंसर आपको जरूर देंगे। तो आप कोई भी एज में कंसीव कर सकते हैं। साथ ही में आप हमारा हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी चैनल फॉलो कर सकते हैं। साथ ही में आप हीना हेल्थ और हीना बी हेल्दी दोनों चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं, टेस्टमनीज अपलोड करते हैं, जहाँ पे आपकी फर्टिलिटी बूस्ट करने के लिए कुछ टिप्स दी जाती है जिसको आप फॉलो करके कंसीव कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल से ऑलरेडी कंसीव कर लिया है तो आप अपनी टेस्टमनी हमें इस नंबर पर ज़रूर शेयर करिए। साथ ही में आप हमारा हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको फ्री डाइट चार्ट, ओवुलेशन कैलकुलेटर और डेली मोटिवेट रहने के लिए सक्सेस स्टोरी मिलती है। इस एप्लीकेशन को यूज़ करना फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत से लोगों ने यूज़ करते हुए विद इन अ 1 month में ही कंसीव कर लिया। तो अगर आप भी कंसीव करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में ज़रूर डाउनलोड करें। जिस तरीके से मोहम्मद जबीन ने मुझे कंसल्ट किया आउट ऑफ इंडिया से, अगर आप भी कंसल्ट करना चाहते हैं, चाहे आप मुंबई से हो, आप आउट ऑफ इंडिया से हो, आप आउट ऑफ कंट्री से हो, कहीं से भी हो, आप मुझसे टेलीफोनिक कंसल्टेशन के थ्रू कंसल्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग योर इनफर्टिलिटी। आप मेरे से रिपोर्ट शेयर कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम शेयर करके मुझसे कस्टमाइज टिप्स एंड डाइट प्लान ले सकते हो, जिससे आपको कंसीव करने में हेल्प मिले। सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मेरे YouTube वीडियोस को देखें एंड उनमें से कुछ टिप्स को फॉलो करिए। अगर आपको यहीं से कंसीव हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ के टिप्स फॉलो करते हुए भी आपको कंसीव नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करके बात कर सकते हैं और आप कंसीव करने के लिए मुझसे हेल्प ले सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर को सेव करिए। ध्यान रखिए ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ये व्हाट्सएप नंबर है। सेव करके आपको व्हाट्सएप पे जाना है और इस नंबर को सर्च करके आपको सिंपली एक मैसेज छोड़ना है, आई वॉन्ट अपॉइंटमेंट। आगे का प्रोसीजर मेरी टीम आपको गाइड करेगी। विद इन अ सेकेंड में आपको एक ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है जिसमें सारी डिटेल्स दी जाती है। आप में से बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रहा था अपॉइंटमेंट कैसे लेना है, इसलिए एक वीडियो भी बनाया है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इस ऑटोमेटिक रिप्लाई में भी आपको वो लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं।
ऑटोमेटिक रिप्लाई के अंदर सारी डिटेल्स है कैसे आप अपॉइंटमेंट ले सकते। ये एक पेड कंसल्टेशन है, इसलिए इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।